तो देखिए, लोकसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में आज कांग्रेस सीईसी की बैठक शाम 6 बजे करेगी, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और असम की करीब 60 से 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मुहर लगेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह, राजस्थान से अशोक गहलोत, सचिन पायलट, असम से गौरव गोगोई और उत्तराखंड से हरीश रावत को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो ये वो तमाम बड़े नाम हैं, कांग्रेस के वो तमाम नेता हैं जिन पर नजरें बनी हुई थी और कोई राज्य अपना बचा पाया, कोई नहीं बचा पाया। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए, लोकसभा चुनाव में भी जब चुनावी मैदान में बात आएगी इनके उतारने की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चेहरा बोलता है, और ये वो तमाम नाम हैं जो एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, अपने अपने राज्य में 60 से 70 सीटों पर तय हो सकते हैं नाम। तो मिशन 2024 के लिए कांग्रेस का दाव क्या है? शाम को 6 बजे कांग्रेस सीसी की बैठक होने जा रही है, जिसमें निर्धारित होंगे अलग अलग राज्यों की जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां से चुनाव कौन लड़ेगा। एमपी, राजस्थान, गुजरात पर मंथन होने जा रहा है। जानकारी है कि तकरीबन 60 से 70 सीटों पर नाम फाइनल हो सकते हैं, उम्मीदवारों के नाम फाइनल इस बैठक में किए जा सकते हैं, और विशेष रूप से ऐसे चेहरे जिनका वर्चस्व रहा है, जो बड़े चेहरे हैं, उनसे कहा जाएगा कि आप चुनावी मैदान में उतरिए, क्योंकि पहली लिस्ट भी कांग्रेस की यही बता रही थी कि बड़े चेहरों को दाव पर इस बार कांग्रेस ने लगाया है। लोकसभा चुनाव दिग्विजय सिंह एक बार फिर से लड़ सकते हैं, गहलोत और पायलट से भी कहा गया है कि आपको भी लोकसभा चुनाव लड़ना है। उत्तराखंड से हरीश रावत काफी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको भी पार्टी उतार सकती है। बिल्कुल, तो सीईसी यानी कि किस तरह से आप देखिए, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है उनकी ये बैठक, और कांग्रेस पर दिग्गजों का दाव है। एमपी से आप देखिए दिग्विजय सिंह के उतरने की बात चल रही है, राजस्थान से अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बड़ा चेहरा है। सचिन पायलट भी राजस्थान से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, और इसी के साथ साथ उत्तराखंड, हरीश रावत, तो पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर जो मौजूदा बड़े नेता हैं उन पर दाव खेलने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। अंतिम मुहर आज शाम की बैठक में लगी, जिसके बाद जानकारी सामने आएगी कि आखिर किस किस को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारेगी। उधर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम ने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक उसकी समीक्षा नहीं हो पाई। ये मोदी की गारंटी है, उसमें गारंटी भी थी पेट्रोल डीजल के दाम भी कम करेंगे, समीक्षा करेंगे चुनाव होते, क्योंकि राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं, गुजरात, अपना हरियाणा, पंजाब, तुलना करते थे। हम कहते थे कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे से ज़्यादा रेट थे, वहाँ पर वहाँ भी बीजेपी की शासन था, वहाँ पर उसकी बात नहीं करते थे वो, तब भी कहते नहीं हम समीक्षा करवाएंगे। अब मैं समझता हूँ 3 महीने हो गए, अभी तक क्यों नहीं समीक्षा की गई, अभी तक कम क्यों नहीं किए गए दरें पेट्रोल डीजल की, जिस पे चुनाव जीत के आए हैं, अब ये परवाह करनी छोड़ दी है। Z News।